Hello guys, this is Nikhil Tiwari from IGCB Character. As you have seen my watercolor painting just now, so I will tell you one thing about that. कि जब भी आप watercolor करने जाते हैं या watercolor करते हैं, तो सबसे पहले when you start from the zero, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आप watercolor कर रहे हैं. That means you have to give importance to the water, the amount of water which you are mixing with the color. अब जब फर्स्ट टोन डालते हैं, सेकंड टोन डालते हैं, थर्ड टोन डालते हैं, सब चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट टोन डालते वक्त कलर के साथ में कितना पानी लेते हैं, सेकंड टोन डालते वक्त कलर के साथ में कितना पानी लेते हैं, और थर्ड टोन डालते वक्त कितना पानी लेते हैं. द थिंग इज दैट दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड यू आर गोइंग लाइट टू डार्क. जैसे हम खाना बनाते वक्त उसमें नमक की मात्रा का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से वाटर कलर करते वक्त जो पानी की मात्रा है, the value of water, it should be kept in mind. हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब मैं फर्स्ट टोन डालूं तो उसमें पानी का लेवल ज्यादा हो, सेकेंड टोन डालूं तो मीडियम हो, और जब लास्ट टोन डालो तो पानी का जो लेवल है वो कम. और ये ध्यान में रखें कि जब भी आप टोन डाल रहे हैं, सो एट द बेस ऑफ द कलर, एट द बेस ऑफ द patchwork which you're doing, there should be water left. It should be seen on the paper. तब आप समझिए कि आपकी जो watercolor है वो सही जा रही है. If you want to know more about this, please do subscribe this channel. Thank you so much. See you later.